हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नगर महासचिव गणेश पिपलोदे द्वारा जन्म दिवस पर विश्व शांति एवं संपूर्ण विश्व के कोरोना महामारी से पूर्ण मुक्ति की प्रार्थना के साथ स्वयं के जन्म दिवस पर खाटू श्याम के भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में उपस्थित श्रोता भगवान खाटू श्याम के भजनों पर जमकर झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कहा कि आज के युवा जन्मदिन पर काफी हुड़दंग करते हैं। भाई गणेश पिपलोदा के जन्मदिन पर खाटू श्याम जी की भजन संध्या करना उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो अपने जन्मदिन पर हुड़दंग करते हैं। युवाओं को यह संदेश है कि अपने जन्मदिन पर धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़े और कल्याणकारी कार्य करें जिससे सबका भला हो और मन भगवान की भक्ति में भी लगे। संदेश तो जन्मदिन जिनका है उन्होंने बहुत अच्छा संदेश हमारे समाज को हमारे समाज के युवाओं को दिया है, क्योंकि आजकल हमने देखने में आया है एक ऐसा कल्चर चल पड़ा है कि जिस किसी का जन्मदिन होता है कहीं पर भी रास्ते में रोक के केक काटते हैं और मुंह में भर देते हैं, पूरा उसको नहला देते हैं केक से, कहीं शैंपेन की बोतलें खोलते हैं, बियर की बोतलें खोलते हैं और नशा पानी करके इंजॉय करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर एक नई संस्कृति को सिरोधारी करके नई दिशा देने का काम गणेश जी पिपलोदिया ने कहा। आज जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या कराई और यज्ञ हवन का आयोजन रखा। इससे हमारे समाज में सकारात्मकता का संदेश जाएगा और युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी कि जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है। हम लोगों के बीच में मनाया जाता है, सात्विक और पवित्रता से मनाया जाता है। धन्यवाद, मेरी ओर से पुनः बधाई शुभकामनाएं छोटे भाई गणेश पिपलोदिया को, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।